हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल टेस्ट ऑफ द जोश। कैसे हैं दोस्तों? हल्का हल्का ठंडी हो या बारिश का मौसम में थोड़ा सा करारी क्रिस्पी कुछ खाने को मिले तो मज़ा आ जाता है। अच्छा चलिए बनाते हैं। बारिश का मौसम भी है, हल्की हल्की ठंडी भी है। चलिए आज कुरकुरी करारी और क्रिस्पी समोसा बनाते हैं। समोसा के लिए जो है पहले आटा तैयार करते हैं। दो कटोरी मैदा ले लिया है, आधा चम्मच अजवाइन ले लीजिए और अजवाइन को इस तरह से क्रश कर दीजिए। क्रश करके उसके बाद इसमें डाल दीजिए। अजवाइन पेस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम करना सकते हैं तो कम भी कर सकते हैं। इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डाल दीजिए, नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे। आटा में भी नमक है और मसाला में भी नमक होगा तो कम ही डालेंगे। खास्ता समोसा बनाना चाहते हैं तो घी डालिए, अगर करारी बनाना चाहते हैं तो तेल डाल लीजिए। घी हम डाल रहे हैं, दो चम्मच देसी घी डाल लिया। अच्छे से इसको मिला लेंगे, जब तक ये आटा बाइंड होना स्टार्ट ना हो जाए तब तक इसको मिलाएंगे। अगर लगेगा थोड़ा सा और घी की ज़रूरत है तो थोड़ा घी और डाल सकते हैं। देखिए आटा बाइंड होना स्टार्ट हो गया, बाइंड हो गया, इसका मतलब ये है कि अच्छे से घी को मैश कर दिया गया, इसमें मिला दिया गया अच्छे से। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मिलाते जाएंगे। समोसा के लिए जो है आटा सख्त होता है और मुलायम नहीं होता, तो हल्के हल्के पानी डालेंगे और आटा को मिलाते रहेंगे। थोड़ी थोड़ी पानी डालते रहें और मिलाते रहें इसको। बिल्कुल आटा मेल्ट हो चुका है। अब इसको इसी तरह थोड़ी देर, कम से कम दो मिनट के लिए इस तरह से गूंदेंगे। आटा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है समोसा के लिए। इसको ढक करके 15 से 20 मिनट रख देंगे और इस बीच में जो है आलू वाले मसाले की तैयारी कर लेंगे। समोसा स्टफिंग करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट यूज़ किया है, जैसे तीन आलू यूज़ किया है। आलू को बॉईल करके ठंडा करके छील लिया है। इसमें अदरक थोड़ी सी यूज़ किया है, काजू और किशमिश यूज़ किया, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं, ना तो कोई बात नहीं है। हरी मिर्च यूज़ किया है, थोड़ी सी मटर यूज़ किया है और कुछ धनिया के पत्ते। कुछ स्पाइस यूज़ करेंगे जो कि आलू के जिस समय फ्राई करेंगे उस समय हम यूज़ करेंगे। एक कढ़ाई लिया, इसमें दो चम्मच घी ऐड करेंगे। घी मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा टेक्सचर, काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो जो कुकिंग ऑयल यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बिल्कुल घी गर्म हो चुका है, इसमें जीरा ऐड करेंगे, शाही जीरा, थोड़ी सी अदरक बारीक चॉप किया हुआ, साथ में सौंफ है ये क्रश किया हुआ, आप साबुत भी डाल सकते हैं या पाउडर है तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब फ्लेम को कम करके इसको पकाएंगे। अब इसी में हरी मिर्च भी यूज़ कर लेंगे, ये बिन हरी मिर्च है बारीक कटा हुआ, साथ में काजू और किशमिश, इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा होता है इसलिए डाल रहे हैं इसको। और साथ में ये फ्रोजन मटर है, आप इसको भी पका लीजिए। दो मिनट में जो है मटर जो है ना सॉफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल मटर सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें आलू जो है इस तरह से क्रश करके तोड़ करके इसमें डालेंगे। अब इसको मिक्स कर लें। बिल्कुल आलू बहुत अच्छे से मैं इसलिए नहीं मैश किया कि इसका टेक्सचर जो है, आलू का टेक्सचर समोसे में काफ़ी अच्छा लगता है। और जितने भी देखते होंगे हलवाई जो है सब इसी तरह तैयार करते हैं समोसा। अब इसमें मसाला ऐड करेंगे, धनिया ऐड कर दिया, रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर दिया, जीरा पाउडर ऐड कर दिया, आमचूर ऐड कर दिया थोड़ा खट्टाई के लिए, नमक स्वाद अनुसार ऐड कर दिया। फ्लेम को लो करके ही ये सारे मसाले को पकाएंगे, नहीं तो जल जाएगा मसाला। दो से तीन मिनट मसालों को फ्राई करेंगे, इतने में मसाला पक जाएगा हमारा। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी मसाला का। मसाला फ्राई हो चुका है, अब इसमें धनिया का पत्ता जो है डाल दीजिए, मिला लीजिए अच्छे से। बिल्कुल समोसा का स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको साइड उतारते हैं और देखते हैं आटा का क्या कंडीशन है। बिल्कुल आटा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं, इस तरह से मिला लेंगे। इसको बराबर हिस्से में काट लेंगे।
इसको सूखने नहीं देंगे, इसलिए इसको अभी अभी कपड़े में रख कर ढक कर रखेंगे। इसको इस तरह से लोई बना लें और अब इसको बेलें। आप देखते होंगे कि हलवाई लोग को जो है समोसा के लिए जो आटा तैयार करता है वो थोड़ा लंबे में तैयार करता है। इस तरह से इसको थोड़ा लंबा किया जाता है, उसके बाद फिर से ये श्रिंक हो जाता है। और फिर से लंबा कीजिए इसको, बिल्कुल पतला ही कर लीजिएगा, ज़्यादा मोटा नहीं करना है। आटा को इसमें शेप में लाकर इसको बीच से कटिंग कर लें। बेसिंग कटिंग करने के बाद इसको उठाएं, इसके चारों तरफ पानी लगा दें इस तरह से, क्योंकि अगर पानी नहीं लगाएंगे तो फिर चिपकेगा नहीं, और चिपकेगा नहीं तो जिस समय फ्राई करेंगे समोसा को उस समय वो सारा मसाला बाहर निकल आएगा। तीनों कोनों में इस तरह से पानी लगा दिया, इसको इस तरह से मोड़ कर और इस पे ये रखेंगे और इस तरह से इसको चिपका लेंगे, इस तरह से चिपका लेंगे। अब इसमें जो है जो समोसा के लिए स्टफिंग तैयार किया है आलू का, उसको भर लेंगे। आलू जो है ज़्यादा नहीं भरना है इसको। अब ये इतना आलू दिया, आलू देने के बाद इसको इस तरह से इसको खींचें, इसको इस तरह से नहीं खींचकर पीछे वाले को आगे खींचें और इस तरह से इसको लॉक करें, इस तरह से। बिल्कुल परफेक्ट समोसा बना। इसी तरह सभी समोसा को तैयार कर लें बिल्कुल। उसके बाद जो है इसको 10 मिनट रेस्ट रहने के लिए दीजिएगा, क्योंकि पानी इसमें लगा हुआ है तो पानी सूख जाएगा और अच्छे से चिपक जाएगा, उसके बाद जो है फ्राई करेंगे। समोसा की शेफिंग हो चुकी है, देख रहे होंगे, और 10 मिनट भी इसको कंप्लीट छोड़ दिया बनाकर। अब जो है इसको तेल में फ्राई करेंगे। बिल्कुल तेल गर्म हो चुका है और लो फ्लेम पे ही इसको हम पकाएंगे। अगर हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो इसके चारों तरफ वो बुलबुले दाने दाने निकल आएगा, तो लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। और समोसा डाल देंगे अब। तो बिल्कुल क्रिस्पी बनाने के लिए लो फ्लेम पे ही पकाएंगे हम। इस तरह से पलटते रहेंगे ताकि बराबर जो है समोसा हर जगह पके। समोसा का फर्स्ट बैच तैयार, देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और बुलबुला बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ इसी जो लो फ्लेम पे बनाया गया है उसका कमाल है ये। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और बनाइए, बहुत अच्छा बनेगा। आप देख सकते हैं इसी तरह सभी बैच निकाल लेंगे। घर पे समोसा बनाने का तो दो ही फायदा है, एक तो क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट, यानी ऑयल की क्वालिटी अच्छी और हाइजेनिक काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा के साथ बनता है, तो घर में बनाना चाहिए, आदमी को घर में बनाकर ट्राई करनी चाहिए। लास्ट बैच हमारा तैयार हो चुका है, आप देख रहे होंगे कलर कितनी अच्छी आई है। अब चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। बिल्कुल क्रिस्पी और करारी समोसा बिल्कुल तैयार है, आप इसको देख सकते हैं कितना करारी है, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा और काफ़ी करारी है ये। इसको चेक करके देखते हैं, वाह मस्त, काफ़ी टेस्टी बना है समोसा, बिल्कुल तैयार है, क्रिस्पी और करारी बना है, काफ़ी अच्छा है। अब देख चुके हैं, इसको इमली वाली खट्टी मीठी चटनी के साथ खाइए। इमली की खट्टी मीठी की चटनी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको अपने घर में ट्राई कीजिए। हमारे वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।